आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जमा करने के लिए बड़ा लाभ दिया है। अपने बकाए बिल को एक मुफ्त जमा योजना सहित किश्तों में अदायगी के लिए बिजली ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन कर उनके बिल में बड़ा लाभ दे रही है। उक्त बातें हुए बकायेदारों को 3 किश्तों में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय राजेश कुमार प्रजापति ने पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाई गई है। इस योजना का लाभ हर श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता को मिलेगा। बिजली बकायेदार ग्राहक को अपना बिल जमा कराकर सरकार के लिए पैच। बिजली बकायेदार ग्राहक को अपना बिल जमा सरकार ने लिए 3 प्रकार की योजना बनाई है। ये योजना 1 मुश्त समाधान योजना, 6 किश्त समाधान योजना और 3 किश्त समाधान योजना के द्वारा ग्राहक इसका लाभ ले सकते हैं। पत्रकारों को बताते हुए श्री प्रजापति ने कहा, पहली बार चोरी के मामलों को भी 1 मुश्त समाधान योजना में निपटारा किया जाएगा। कंसीडर लोक अदालत व अन्य मामलों में वांछित विद्युत उपभोक्ता भी लाभ ले सकेंगे इस योजना का। लोगों को से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मुश्त समाधान योजना जल्दी आए, ज़्यादा लाभ पाएँ। 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 3 अवधि में लागू की गई है। इस 1 मुश्त समाधान योजना में समस्त विद्युत भार एवं समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट प्रदान अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। इसमें घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और LMB 6 के उपभोक्ताओं के अधिभार में छूट का प्राविधान है। जो प्रथम अवधि है 8 नवंबर से 30 नवंबर तक है। द्वितीय अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक है। तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक है। इसमें निजी नलकूप हेतु जो है अधिभार की गणना 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाए पर और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के अधिभार की गणना 31 अक्टूबर 2023 के मूल बकाए पर की जाएगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाए का 30% का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के मूल बकाए का 30% का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उनको जो है 30 दिन का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे उनको 100% जो है अधिभार में छूट मिलेगी। भुगतान करने वाले जो पंजीकृत उपभोक्ता होंगे उनको वर्तमान बिल के साथ साथ बकाए का राशि का जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध RC निर्गत किया गया है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें जो है भुगतान जो है किस्तों का विकल्प चुनने के लिए भी उपभोक्ताओं को जो है प्रावधान किया गया है। 12 किस्त का प्रकरण है, 6 किस्त का प्रकरण है और 6 किस्त से कम का प्रकरण है। 12 किस्त के प्रकरण में 3 अधिकतम डिफॉल्ट का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगातार 2 डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। 6 किस्त में 1 डिफॉल्ट अनुमन्य किया गया है और 6 किस्त से कम में कोई भी डिफॉल्ट अनुमन्य नहीं किया गया है। यदि कोई उपभोक्ता डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके जो है विलम्ब भुगतान जो अधिभार सरचार्ज है, जो छूट की राशि दी गई थी उसको पुनः जो है जोड़ दी जाएगी और भविष्य में इस प्रकार के किसी योजना का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है और यदि कोई विवादित है उसको भी इसमें जो है लिया जाएगा। अभी ये योजना जो है 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक लागू की गई है। और इसमें इस योजना में एक बात स्पष्ट रूप से जो है की गई है कि इसमें जो है इस प्रकार का जो लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली बार एवं अंतिम बार दिया जा रहा है और इस योजना से लाभान्वित होने का यह जो है प्रथम एवं अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरांत चोरी में जो लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।